शहर के पानीगेट बावामानपुरा विस्तार में मकान की डिपॉजिट के मुद्दे दो लोगों के बीच हिंसक हंगामा होते हुए तलवार के साथ जानलेवा हमला करने के कारण पूरे विस्तार में सनसनी फैली थी। शहर के पानीगेट बावामानपुरा विस्तार में आज मकान की डिपॉजिट के मुद्दे दो लोगों के बीच हिंसक हमला होते हुए पूरे विस्तार में अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। मकान मालिक वैसा शब्बीर भंगारिया को मकान की डिपॉजिट नहीं मिलने के कारण बंगड़ी वाला नामक शख्स के साथ विवाद घटित हुआ था। जो ये मुद्दे दोनों के बीच विवाद और भी उग्र बनने के बाद हिंसक बवाल मचा और बाद दोनों ने आमने सामने आकर तलवार जैसे हथियारों के साथ बवाल करते हुए एक दूसरे पर गंभीर जानलेवा हमला किया। जो हिंसक हमले की घटना में दोनों ही घायल हुए थे। जो घटना के चलते बाद पूरे विस्तार में भारी अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को जानकारी देते हुए पानीगेट पुलिस काफिला स्थल पर दौड़ा चला आया था और मामला संभालते हुए पूरे विस्तार में पुख्ता पौलादी बंदोबस्त लादा गया और बाद दोनों घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें से एक शख्स की हालत गंभीर होने का बताया जा रहा है। बावनपुरा में अज्ञात अराजिया गाड़ा में एक सफी भंगारिया है और सामने बंगड़ी वाला है। बे वच्चे के मकान डिपोजिट बाबत में माथाकूट थी गई आसपास लोगों जाए कि तलवारबाजी तलवार भाग्यू है। हॉस्पिटल में बने पार्टी दवाखा में दाखिल है। अत्यारे हाल एक जन की हालत थोड़ी गंभीर है। हमें पुलिस फरियाद लेने आगे की कार्यवाही करवानी तजवीज चालू साहब। मगजमारी शान पर जान मिली કહેવાનું છે કે આજે સફી ભંગારિયા જે છે એમને એમનું મકાન છે અને એમને મકાનના ડિપોઝિટના નાણાં મળી શક્યા નથી એટલે પૈસાને લેવડ દેવાની બાબતમાં આ માથાકૂટ થઈ છે।